पा किथे किथे किथे। So hello, what's up guys, welcome to my YouTube channel MV Vlogs. I hope you all guys are absolutely fine at home. तो इसकी अभी भी नींद खुली नहीं है, क्यों नहीं खुली, क्या कारण है भाई? रात को सोने नहीं होता। हाँ, इसे रात को सोने नहीं होता क्योंकि बंदे को पेन हो चुकी है शोल्डर में। बैडमिंटन खेल रहा था, शायद मसल ब्रेक हुआ है, यहाँ मसल को क्या हुआ कोई पता है? कुछ नहीं, डॉक्टर को बड़ा सा नाम ले रहा था, मेरे को याद नहीं। उसने बताया कि बैडमिंटन ज्यादा खेलने से वो कुछ हो गया मसल में, इसलिए। तो वो थोड़ी टेक्निकल बात है, मतलब कि मेडिकल बात है, तो हमें पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा। अगर मेरे फील्ड की कुछ टेक्निकल बात होती तो मैं आपको आराम से बता देता। तो आज आप मुझे देख रहे हो कि मैं फुल्ली पैक्ड हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। कहीं जाने का रीजन क्या है कि अपने मोटू सेठ ने क्या करवाना अपनी बाइक की, क्या करवानी है यार, सर्विस करवानी है यार, मैं भूल जाता हूँ। मैं सुबह सुबह ठंड है ना, फंबल बचता है, तो भूलने भी हो ही रहा है साथ में। तो अपने मोटू सेठ ने करवानी है बाइक को सर्विस, और मैं सोच रहा हूँ कि बाइक को मैं भी चेकअप करवा लेता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे अभी भी लग रही है। देन उसके बाद हमें सिटी जाना है, सिटी क्योंकि अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीद के लाना है। सर्दियाँ आ चुकी है और इसके पास हुडी वगैरह नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ सिटी जाके थोड़ी सी शॉपिंग इसके लिए कराऊंगा। और बड़े दिनों के बाद आखिरकार मैंने बाइक पकड़ी है। पकड़नी क्या थी, जाना इसी ने था, बट ये बीमार हो गया तो उसकी वजह से मुझे जाने हो रहा है, क्योंकि मैंने आज की अपॉइंटमेंट ली हुई है, 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली हुई है, और 10:30 मुझे घर पे हो गया। और मुझे उनका कॉल भी आ चुका, और मैंने उनको बोला है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, पर पहुंचूंगा कैसे, मैं तो अभी घर पे हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा सिटी पहुंचने में, तो यार जल्दी से निकलते हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, और मैं तेरे लिए शॉपिंग करके ले आऊंगा, क्योंकि ये मेरे से नाराज है ना, तो शॉपिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो काफी दिनों के बाद आज जब से एक्सीडेंट हुआ ना, तब से मैंने कोई ब्लॉग शूट करा नहीं है खुद, तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं आज एक ब्लॉग शूट कर लूं। मौका इन द सेंस कि जैसे आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि थोड़ा चेकअप करवाना है बाइक का, तो मैं सोच रहा हूँ वो करवा लेता हूँ, क्योंकि राइड जल्दी बनने वाली है। एग्ज़ाम्स थे बीच में, जैसे मैं आपको पहले बता ही रहा था कि बीच में एग्ज़ाम्स थे, बट वो शिफ्ट हो जा रहे हैं आगे के आगे, उनका समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यार। या फिर एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, या डेट आ जाए ना कि इतनी इतनी तारीख को आपका एग्ज़ाम परफेक्टली होगा, पर समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो मुझे सेफली चलाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ अच्छे से काम करता नहीं है, पेन हो जाती है अगर थोड़ा सा लोड डलेगा इस पर। तो मेरे साथ जा रहे हैं अपने मोटू सेठ, वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं मास्क लेना भूल गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि जम्मू में चलान होना दोबारा शुरू हो चुका है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना 500 रुपये का चलान करते हैं, और भाई 500 हमारे पास टोटल होते हैं, और 500 उनको दे दिया ना, तो फिर खुद कंगाल हो जाएंगे। का टैंक हाफ हो चुका है, हाफ से भी कम हो चुका है, तो मैंने सोचा था कि पहले अखनूर से रिफिलिंग करवा लेते हैं इसकी, पर मोटू सेठ ने बोला कि जम्मू से करवाएंगे। ओ भाई क्या ठंड है यार सुबह सुबह, मेरे हाथ भी जमना शुरू हो गए हैं अभी, पाँव तो चलो ठीक है अभी तक, लेकिन जो अपनी टांगे हैं ना वो भी थोड़ा थोड़ा ना जमना शुरू हो गई है, और डर सा लगता है अभी, क्योंकि अभी चोट लगी है, उससे मैं उभरा भी नहीं हूँ अच्छे से, और मैं ये ड्रामे करना दोबारा शुरू कर दिए हैं। घर वाले यार ठीक है, वो भी सही करते हैं, उनको भी पता है कुछ हो गया तो, होता नहीं है मेरे को कुछ, मेरे को इतना पता है, बड़ी लंबी उम्र है मेरी, इतनी लंबी उम्र है कि खाई खाई नहीं मुकनी, बड़ी लंबी उम्र है मेरी। अभी जॉब करनी है, अभी इंजॉय करना है अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा टोर लगाने हैं, लद्दाख जाना है, इतना कुछ करना है मेरे को। तो अभी मैंने एक रिसेंट रील डाली हुई थी, काफ़ी गाली पड़ी उससे, क्योंकि मैं उस पर सैडलिंग कर रहा था, और जिन्होंने रील बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जाके फॉलो कर ले, नीचे लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाकर फॉलो करो, जल्दी जाओ, पहले वीडियो देख लो पूरी फिर जाना। इस चौक पे अक्सर ट्रैफिक पुलिस होती है चालान काटने के लिए, हाँ तो वो अक्सर क्या होती है चालान काटने के लिए, तो लो जी चालान कट रहे हैं, हेलमेट पहनो, ग्लव्स पहनो, अपनी सेफ्टी को अपने पास रखो और फिर निकलो भाई, जिंदगी एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलने वाली। ओपा किथे 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 कल ना पता के कुछ क्या यार,
बंदा अपने मजे में है यार, क्या बात है। और भाई ठीक हो? ठीक ठाक। ओहो अपनी नागनी। तो फाइनली जाके यार मुझे अपना एक फ्रेंड मिल गया। तो मैं सोच रहा था ये बंदा कोई और है, ये तो अपना क्लासमेट है। कहाँ घूम रहे तू इस समय? जॉब पे। तो जो हमारे क्लासमेट थे ना, उनमें से यही दिख रहा है आपको, जो बेरोजगार नहीं है, हम तो बेरोजगार बड़े बैठे हुए यहाँ पे। और ठीक है, कौन सी जगह ट्रिप है? यह ट्रिप नहीं था, मैं एजेंसी जा रहा हूँ बेसिकली। चले कहीं ट्रिप पे? ट्रिप पे चलो। तो फाइनली काम उसका चल रहा है बाइक का, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके एक गाड़ी का पूछ लेते हैं, क्योंकि अपने भैया पूछ रहे हैं बाइक लेने के लिए। तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके पूछ लेते हैं प्राइसेस, जो भी इसकी प्राइसेस होगी वो पूछ लेते हैं आके। तो पूछ के अभी उनको बता दिया, अभी मोटर सेट कुछ लगवा रहे हैं बाइक पे एक्स्ट्रा। जब भी सिटी आएगा या शोरूम में आएगा तो कुछ ना कुछ तो इन्हें लगवाना ही होता है। तो आपको भी दिखाता हूँ क्या लगवा रहा है ये। एक बात और, जो मेरी बाइक है उसको टाइम लगेगा, हाफ एन आवर या एक घंटा लग जाएगा। तो फाइनली जाके उसका अभी पैनियर का जो रेयर वन लगना शुरू हो चुका है, जैसे आपने वीडियोस में देख ही लिया होगा, सिनेमैटिक में ऑलरेडी आपने देख लिया। तो ये काम जो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद मुझे दोबारा सर्विस स्टेशन जाना है, क्योंकि मेरी बाइक अभी वहीं पड़ी हुई है। अब उसका काम हो चुका है या नहीं हो चुका है मुझे वहाँ जाके लगेगा पता। और मैं अपने मोटू सेठ को बोल भी रहा हूँ कि चलते हैं वहाँ से पूछाते हैं, पर वो बोलते हैं पहले इसका काम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद उनके सर पर बैठते हैं जाके। तो फाइनली जाके काम हो चुका है, अभी भी 19-20 का फ़र्क रह चुका है। तो सुबह हम पहुँचे थे 10:30-11 बजे, तो अभी टाइम हो चुका है 4:30। तो अभी यार भूख लगी है, क्या करें। हाँ वो हो गया, उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा स्टेयरिंग का है, अगर कल को होता है तो आप आओ, हम रिप्लेस ही करके देते हैं आपको। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं थी, कुछ पैसा नहीं लगा, सारा वारंटी के अंदर था। ये देखो पता क्या होता है, मैं आपकी कहानी बताऊं, आपको एक कहानी है। जब हम क्या करते हैं, जब हमने गोप्रो ऑन किया होता है ना, तो हमारी हिंदी कुछ अलग ही निकलती है। नहीं तो मेरी और मोटो की कदें गल नहीं हुई हिंदी बिच। जब से हम पैदा हुए ना, जदों मैं पैदा हुए ना, मेरी और मोटो की कदें गल नहीं हुई हिंदी बिच। अब पहली बार हिंदी गल कर रहे हैं। जब हम खासकर कैमरे के सामने होते हैं तो हमारी हिंदी निकलती है। यहाँ शुभम से होती है हिंदी में, बम्बू के साथ। तो यार ये काम हो चुका है 4:30-5:15, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरी बाइक को। तो हमने सोचा कि फ़न बाइट रुके कुछ खा लेते हैं, चलो डोमिनोज चलो। तो हमने सोचा था फ़न बाइट के लिए, लेकिन फ़न बाइट का हो चुका है कैंसिल, तो हम जा रहे हैं अभी डोमिनोज। तो फाइनली अपना सामान आ चुका है। सामान में हमने क्या क्या मंगवाया सर आप बताओ? गार्लिक ब्रेड और टाकोस। हाँ तो हमने टाकोस और गार्लिक ब्रेड मंगवाया, क्योंकि भूख अभी काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो पहले कुछ खा लेते हैं, देन उसके बाद आपसे बातें करते हैं। सर खा लो अभी आप, करो शुरू। गर्म है तो क्या, वो गर्म है मुँह में जाए ठंडा हो जाएगा। तो कैसा है? अच्छा है। तो यार मैं भी खा लेता हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। बस आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, अगर पानी आएगा तो उससे बॉटल भर लेना। तो फाइनली जाके हम यहाँ से निकले हैं, पेट में कुछ गया तो थोड़ी एनर्जी आई है, नहीं तो ऐसा हो चुका था कि अब मुझे बैक में पेन होना भी शुरू हो गया था, और भूख के मारे तो पेट में भी ना गुड़गुड़ हो रहा था। तो अभी पहले क्या करते, जो अपनी परी को प्यास लगी है ना, वो प्यास बुझाते हैं इसकी, फिर उसके बाद चलते हैं। कितना हो गया अभी? 96 हो गया। कम होगा बढ़ेगा? कम होगा। चलो इतनी खुशखबरी दी आपने, तो भाइयों सुन लो एक खुशखबरी कि 96.13 है और कम होगा ये भी। और ये तो कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, ऐसा क्या है बबुआ। तो लो जी पहुंच गए हम अपनी अखनूर सिटी में। तो मुझे पहले जाना रेड टेप, जो मुझे काम करना है आज, उसके बिना तो मैं घर जा नहीं सकता। तो मैं अभी अंदर सामान लेके ही फिर निकलता हूँ घर की तरफ। तो अभी जाके मैं पहुंचा था रेड टेप, अंदर जाके देखा, उसको वीडियो कॉल करी आशीष को कि तुझे क्या चाहिए, अगर तुझे कुछ पसंद आता तो बता दे, पर उसने बोला कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो एक काम करते हैं, मैं घर जाता हूँ और उसको उठा के लेके आता हूँ, फिर यहाँ से कुछ उसको लेके देता हूँ, फिर जाके बात बनेगी, नहीं तो बात तो बनने वाली नहीं है। तो मैंने इसके लिए हुडी लाई। आप नाराज तो नहीं ना होगे मेरे साथ? पक्का सच बता देना। तो मैंने वहाँ जाके इसको फोन किया था, वीडियो कॉल करी थी, और इसको कुछ पसंद नहीं आया था, तो मैं आपको कल दिलवा दूंगा, ठीक है? ओके डन। हाँ तो अभी मेरे को मार्केट जाना है, किसी काम से इम्पोर्टेंट काम है, अपने मोटू सेठ का थोड़ा सा काम है, तो आप मेरे साथ चलोगे मार्केट अभी? हाँ चलूंगा। ठीक है तो इसको लेके चलते हैं मार्केट। तो फाइनली जाके शॉपिंग हमारी हो चुकी है, मैंने इसको एक हुडी लेके दी और खुद के लिए के लिया स्वेटशर्ट लिया। अब बता, खुश हो? ले लिया। हाँ खुश हूँ, मैं पहले भी खुश था।
तो आपको जैसे पता ही है मैंने इसको बोला कि मुझे बाजार जाना है किसी काम से काम के लिए, तो मैं उस तरीके से इसको मैं समझ गया था जब इसने बोला कि कुछ काम जाना है तो फिर मैं हमारे जो पप्पू सेठ है ना, हमारे पापू हैं जो हमारे पापा जी हैं, वो आके ही दुकान पे आके अच्छा तूने रेड टेप जाना है, अरे पापा ने नहीं बोला, इसने बोला कि मोटू भैया का कुछ काम है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मोटू भैया काम करके आए थे। तो शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, घर भी पहुँच गया हूँ, बाइक भी ठीक हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। कर दें तो बोलिए फिर आगे। आई होप आपको एक छोटा मोटा सा ब्लॉग, मैंने जो देखा नहीं है अनदेखा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला ब्लॉग में मैं आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको पता ही क्या करना है, एक काम जो हर बार करना है करते रहना, अपने माता पिता का ध्यान रखना है। गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।